हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्यू का स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों कराऊंगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने इंडियन आर्मी के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन लिए दोस्तों, जो आपके यहाँ पर जीएस और दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक के हमने क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों आपके यहाँ पर गत वर्षों के क्वेश्चन है, इनको आप बार बार यहाँ पर पूछे जाते हैं, इनको आप देख लेंगे। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा हमारी वीडियो को प्रथम बार के लिए, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पर रोज ही मिलती है नए नए दोस्तों इंडियन आर्मी के आधार पर वीडियो दोस्तों, और एग्जाम के आधार पर नए नए अपडेट यहाँ पर। और दोस्तों आप हमारे क्वेश्चनों को यहाँ पर शुरू से लेकर के आखिर तक यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, और इनका यहाँ पर लुत्फ उठाइएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, दिमाग डेडेस के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों? ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर सोचने के लिए, या फिर शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या फिर आपका ए और बी दोनों, या फिर आपका केवल ए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दिमाग दोस्तों दोनों के लिए ही जिम्मेदार होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत का एक अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर ऑफ करंट दोस्तों, ये आपका कागज़ या कॉपर या शीशा या कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर कॉपर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आप कॉपर कहें या फिर आप तांबा कहें, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर कॉपर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। जल का दोस्तों आपको घनत्व मतलब आपका डेंसिटी बतानी है दोस्तों, आपकी मैक्सिमम कौन से तापमान पर यहाँ पर होगी, टेम्परेचर पर होती है दोस्तों। ये आपका 0 डिग्री पर, या 4 डिग्री पर, या 100 डिग्री पर, या फिर आपका -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दोस्तों ये आपके यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों अधिकतम होती है। देखिए दोस्तों, पहले ही आपका घनत्व यहाँ पर बढ़ता है तापमान के साथ, फिर बाद में दोस्तों धीरे धीरे घटने लगता है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पेनिसिलिन है दोस्तों क्या है? एक एंटीबायोटिक, या वसा, या एंजाइम, या प्रोटीन। दोस्तों यहाँ पर ये एक एंटीबायोटिक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश डैश एक यौगिक नहीं है, इज नॉट अ कंपाउंड, कौन सा वाला दोस्तों? वायु, तांबा, या पीतल, या फिर जल। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका वायु दोस्तों, एयर आपकी एक दोस्तों यौगिक नहीं है, एक कंपाउंड नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, कॉपर आपको पता होगा सीओ होता है, और पीतल दोस्तों आपका, पीतल देखिए यहाँ पर कॉपर का दोस्तों प्लस जिंक का दोनों का यहाँ पर मिश्रण होता है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये आपका क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। और एक होता है दोस्तों आपका कांसा, कांसा दोस्तों जो हम ब्रास कहते हैं नॉर्मली उसे, यहाँ पर दोस्तों आपका कॉपर प्लस 10 आपका यहाँ पर होता है दोस्तों। और जल का आपको पता होगा H2 आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर दोस्तों, H2O होगा, या H2O2 होगा, या D2O होगा, या फिर आपका H3O होगा। ये दोस्तों आपका यहाँ पर D2O होता है, यहाँ पर देखिए बहुत कन्फ्यूज होता है लोगों को, ये आपका यहाँ पर D2O हो जाएगा। यहाँ पर D दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है? ड्यूटीरियम है दोस्तों। ड्यूटीरियम मतलब आपका जल का ही दोस्तों, ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। समस्थानिक के बारे में आपको पता होगा, जिनको हम आइसोटोप बोलते हैं, जिनके दोस्तों एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनका एटॉमिक भार, एटॉमिक मास दोस्तों अलग अलग होता है, अणु भार उनका अलग अलग होगा, लेकिन उनका दोस्तों क्रमांक यहाँ पर बराबर होगा। तो ये दोस्तों आपका ड्यूटेरियम यहाँ पर हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। कभी आपका आएगा समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप क्या होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है दोस्तों? एक बार, दो बार, 0 बार, या फिर कोई नहीं? दोस्तों ये आपका यहाँ पर एक बार होता है। और दोस्तों आपको बार का मतलब भी पता होना चाहिए, बार मतलब दोस्तों आपका होता है वायुमंडलीय दाब का मात्रक दोस्तों। कभी आपका आ गया कि वायुमंडलीय दाब का यहाँ पर मात्रक यूनिट बताइए, तो वो आपकी बार हो जाएगी। तो जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, उनको यहाँ पर डीपली देखिए, जो भी आप क्वेश्चन देखते हैं हर एक का मतलब यहाँ पर जानिएगा, तभी दोस्तों आपको यहाँ पर चीज़ें पुख्ता हो पाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा दूरी का एक मात्रक नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको पूछा गया कि नहीं है, कौन सा वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए, पारसेक, या प्रकाश वर्ष, या फिर जूल, या फिर किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका पारसेक दोस्तों दूरी का मात्रक है, ये दोस्तों बड़ी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। मान लीजिए आपको यहाँ पर ग्रहों के बीच की दूरी को देखना है दोस्तों, वहाँ पर आपका पारसेक का इस्तेमाल होता है। प्रकाश वर्ष भी दोस्तों आपका बड़ी दूरियों को मापने के लिए आता है, तो ये भी आपका दूरी का मात्रक है। जूल दोस्तों आपका, ये आपका कार्य का मात्रक आपका जूल होता है, आपको पता होगा, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर दूरी का मात्रक नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर किलोमीटर आपका दूरी का मात्रक है, तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ओजोन परत किस रसायन के द्वारा मुख्यतः दोस्तों नष्ट हो रही है? बहुत आए तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था और महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ओजोन परत किसके द्वारा दोस्तों, कौन सा वाला रसायन है जिससे नष्ट हो रही है दोस्तों, कौन सा केमिकल है? ये आपका CFC, या O2, या CO2, या फिर N2। ये दोस्तों आपका यहाँ पर CFC हो जाएगा दोस्तों, और CFC का मतलब होता है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कभी आपको फुल फॉर्म यहाँ पर लिखने को आता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। और इनके बारे में आपको पता होगा दोस्तों, N2 आपके यहाँ पर अधिकतम वायुमंडल में दोस्तों पाई जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से, या मच्छर के, या चूहे के, या कोई नहीं?
दोस्तों यहाँ पर देखिए कुत्ते के काटने से दोस्तों हाइड्रोफोबिया नामक रोग यहाँ पर होता है दोस्तों। मच्छर के काटने से आपको पता होगा मलेरिया होता है, मादा एनाफिलीज के काटने से, चूहे से दोस्तों यहाँ पर प्लेग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है दोस्तों? आपको पता होगा दोस्तों ठोसों में अधिकतम होता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं, द्रव में या गैस में या निर्वात में या स्टील में। यहाँ पर दोस्तों आपका स्टील में अधिकतम होता है, आपको यहाँ पर सही कर देंगे। ठोसों में भी दोस्तों आपका स्टील में अधिकतम होता है, और द्रव दोस्तों द्रव में आपका कम होता है, गैस में आपका और भी कम होता है दोस्तों, न्यूनतम आपका गैस में होता है, और निर्वात में दोस्तों गमन नहीं करती है ध्वनि। तो ये भी आपका यहाँ पर आता है, कौन से माध्यम में गमन नहीं करती है, और कम से कम आएगा तो वो आपका यहाँ पर दोस्तों गैस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। पेरिस्कोप का मतलब पहले आपको बताना चाहिए दोस्तों, पेरिस्कोप दोस्तों एक पेरी स्कोप या फिर आपका है दर्शी दोस्तों, पेरी दर्शी, यहाँ पर दर्शी का मतलब दोस्तों देखने वाला। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका इस्तेमाल दोस्तों, प्रेक्षक कहीं छिपा होगा तो दोस्तों वो देख सकता है चारों ओर के वातावरण को। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, युद्धपोत में दोस्तों, या फिर पनडुब्बी में, या फिर दोस्तों कहीं अन्य शत्रु को देखने के लिए, यहाँ पर छिपे शत्रु को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और इसका इस्तेमाल दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में भी किया गया था, तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप याद रख लेंगे। और देखिए दोस्तों पेरिदर्शी में यहाँ पर दो समतल दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर कौन सा दर्पण हो जाएगा, समतल दर्पण, दो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं दोस्तों, D1 और D2, एक नली में यहाँ पर लगे रहते हैं, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण का दोस्तों इस्तेमाल यहाँ पर दूरदर्शी में किया जाता है, टेलीस्कोप में, दूरदर्शी में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है दो उत्तल लेंसों का दोस्तों। और आपको पता होगा दोस्तों दूरदर्शी की खोज यहाँ पर गैलीलियो ने की थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, धूम कोहरा स्मॉग किसका मिश्रण होता है? धुआं और कोहरा, धुआं व जल, धूल और धुआं, या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर धुआं और कोहरे का दोस्तों मिश्रण होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इसके होने का कारण है क्या है दोस्तों? देखिए जुकाम और दोस्तों फ्लू किसके कारण होता है, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, या फिर विषाणु अर्थात वायरस या कवक, या कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर देखिए वायरस के कारण होता है दोस्तों, विषाणु के कारण होता है। आपको अब यहाँ पर क्वेश्चन आया भी था दोस्तों अभी इस बार कि स्वाइन फ्लू किससे होता है दोस्तों, H1N1 नामक विषाणु से होता है दोस्तों, और जुकाम भी दोस्तों आपका विषाणु से ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता होगा आंवले में दोस्तों आपका विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी दोस्तों यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल यहाँ पर कहलाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ये वाला देखता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल यहाँ पर आंवले में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल दोस्तों आपका सेब में पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल दोस्तों आपका अंगूर में पाया जाता है, अंगूर में। और ऑक्सैलिक अम्ल दोस्तों यहाँ पर बहुत है, यहाँ पर टमाटर में पाया जाता है दोस्तों। दोस्तों ये थे आपके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स का भी आपको पता होगा आर्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर दोबारा माइनस है का मान क्या होगा, अर्थात दोस्तों वैल्यू क्या होगी? देखिए दोस्तों आपको पता होगा माइनस गुणा माइनस दोस्तों हमेशा क्या होता है, प्लस होता है दोस्तों, और प्लस गुणा माइनस हमेशा दोस्तों माइनस होता है। अब देखिए आपका माइनस गुणा माइनस होगा तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये आपका रूल पता होना चाहिए आपको। तो ये दोस्तों आपका 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो कोण दोस्तों क्रमशः आपको 90 डिग्री और 50 डिग्री के दिए हों तो दोस्तों आपको त्रिकोण का तीसरा कोण बताना है क्या होगा, अर्थात दोस्तों थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों कोई भी त्रिभुज आपको यहाँ पर दिया होगा तो उसके लिए थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, तीन कोण मान लीजिए आपके ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री हों, तो इसके लिए दोस्तों तीनों कोणों का योग यहाँ पर 180 डिग्री होता है, ये आपका थ्योरम होती है दोस्तों त्रिभुज की। अब देखिए आपको दो कोण यहाँ पर दिए हैं, दोनों को आप रख दीजिए, कोई भी आप रख दीजिए, और एक आपका तीसरा आपको निकालना है। तो दोस्तों सिंपली आप क्या कर देंगे, सी डिग्री बराबर आपका 180 माइनस 140 आप कर देंगे, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर 40 डिग्री निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, आपको वैल्यू ज्ञात करनी है 0.064 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर 1/2 प्लस अंडर रूट के अंदर दोस्तों आपका 121 है और माइनस 3 की पावर आपकी 0 है। देखिए दोस्तों ये हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पर दोस्तों होता है यहाँ पर बॉर्ड मास में, और यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है घातों में। अब देखिए दोस्तों पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर दशमलव का स्थान देखिए 3 स्थानों पर लगा है, तो दोस्तों आप अंदर वाले को क्या कर लेंगे, आपको दोस्तों यहाँ पर करना है अंदर वाले का फॉर्म यहाँ पर कन्वर्ट करना है दोस्तों 0.4 की पावर दोस्तों, यदि आप 3 कर देंगे तो दोस्तों आपको यही मिलेगा। आपको पता होगा 4 × 4 × 4 कितना होता है, ये आपका 64 होता है। अब दोस्तों 3 स्थानों पर लगाए तो आपका यहाँ पर 0.4 आप कर देंगे तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर यही आएगा,
तो ये आपने यहाँ पर अंदर वाले को परिवर्तित कर दिया, और बाहर वाला दोस्तों आपका बिल्कुल वही रहेगा। देखिए पावर 1/3 है तो आपने वैसी रख दी, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी आप चेंज कर दीजिए दोस्तों, आपका अंदर 0.02 है, इसे आप लिख देंगे 0.2 की पावर 2, ये आ गया आपका। और दोस्तों आपको पता होगा अंडर रूट 121 का मान कितना होता है, 11 होता है, तो आपने 11 लिख दिया यहाँ पर। और माइनस देखिए दोस्तों, किसी की भी घात यहाँ पर 0 लगी रहेगी तो उसका मान ऑलवेज यहाँ पर 1 होता है। अंदर आपका बकायदा दोस्तों यहाँ पर नॉन जीरो होना चाहिए, इतना आपको ध्यान देना है, ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए अर्थात 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए आप सॉल्व कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा होता है, ये नियम आपको पहले भी बता चुके हैं हम, ये आपका कट जाएगा। तो 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2, यहाँ भी देखिए घात के ऊपर घात है, कट गया, और यहाँ पर देखिए आपका दोस्तों प्लस 11 माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका पहले आप डिवाइड को करते हैं काम, बाद में आप दोस्तों प्लस और माइनस का, और दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस में दोस्तों आप आगे पीछे कर सकते हैं, इनमें आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि आप माइनस पहले कर देंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। ये दोस्तों आपका 2 प्लस 11 माइनस 1 आ गया, अर्थात दोस्तों ये 12 आपका निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो का, यदि दोस्तों 8 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो दोस्तों उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए काम आपका वही है, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ट्रिक है, M1D1 = M2D2, हमेशा आप याद रख लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहली बार में आदमी कितने हैं, 8 आदमी हैं, गुणा पहली बार में दिन आपके 15 लगे, बराबर पहली दूसरी बार में दोस्तों आदमी आपके 20 हैं, तो दिन आपको बताएं कि कितने लगेंगे। तो यहाँ पर आप D2 निकाल लीजिए, सिंपली आप दोस्तों D2 = करेंगे 8 × 15 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे दोस्तों, तो ये काट के यहाँ पर आपका आएगा, काट देंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर 6 दिन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला दिखता है, 6 डेज आपका यहाँ पर निकल के आ गया। तो ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे दोस्तों, आर्मी में पूछे जाते हैं बार बार, इनको आप तैयार कर लेंगे, और भी इस तरह के क्वेश्चन को हम लगातार आपको बताए जाएंगे दोस्तों। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियोज़ में। ओके थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।